नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। सिपाहियों ने गैस सिलेंडर को सड़क पर रख कर किया विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम तेज यादव के नेतृत्व में कैसरगंज तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर SDM महेश कुमार कैथल को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं बहराइच से ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की एक खास रिपोर्ट। सच वही जो JNI न्यूज दिख रहे हैं। डॉक्टर लोहिया का आज निर्वाण दिवस है। डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान के और विश्व के, किसान के, मजदूर के, हिंदू के, मुसलमान के, नौजवान के, व्यापारी के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने नेता तैयार किया मुलायम सिंह यादव को और जयप्रकाश बाबू को तैयार किया, अब और तैयार किया अखिलेश यादव को, जो उनके रास्ते पे चलकर लोग लड़ रहे हैं। अगर आज हिंदुस्तान की धरती पर लोहिया जी होते तो किसी की हिम्मत न होती कि भारतीय जनता पार्टी जो जुर्म कर रही है, महंगाई बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया और जुर्म बढ़ा दिया, महंगाई भ्रष्टाचार पुलिस और के जुर्म की जननी है भारतीय जनता पार्टी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, किसान 200 किसान मर चुके हैं, अब तक उनको कोई सुनता नहीं है। मजदूर लेबर जब कोरोना लगा तो पैदल चल चल के लोग अपने अपने 400-500 हजार किलोमीटर तय किया, लेकिन यह संवेदनहीन सरकार दिल्ली की और लखनऊ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज मेरे क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर कट गए हैं। मझारा तौकली जो है वो अब किल बार जब फिर बाढ़ आएगी 1100 रेती मझारा तौकली रही नहीं जाएगी। हजारों घर कट गए, लेकिन उनके बसने के लिए हमने 4 साल से बराबर मांग किया हो कि आप मथुरेपुर से बांध ले जाइए, घूरदेवीन तक ले जाइए और बांध ले जा करके वहाँ बांध दीजिए, जिसकी वजह से उन लोगों घर बचे, उनके जानवर बचे। छुट्टा जानवरों को रोकने के लिए ये सरकार व्यवस्था नहीं कर रही। 4 साल से इतना मांग पत्र दिया हमने, इतना धरना दिया, गवर्नर को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा है, लेकिन छुट्टा जानवरों से गांव के लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। आज किन बिंदुओं पर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है उनमें? नहीं, ज्ञापन तो मैंने सौंपा है जो आपको भी देंगे, और वो ज्ञापन जो है कि देखिए हमारे बीच में बुढ़िया पाठक जी प्रयागपुर से उठ के चल के आ गए, मेरी नेता हैं। नंबर एक मांग ये है कि कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, वो ठीक की जाए। कोरोना पुनः लौट रहा है हिंदुस्तान में, तो उस पर ध्यान दिया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को बंद करना, जेल भेजना, उनका इनकाउंटर करना, ये हो रहा है, ये रोका जाए। हाँ जी, ये आपके सामने सिलेंडर रखा हुआ है गैस का। हमारे टाइम में 343 में सिलेंडर था गैस का, ये समय 855 रुपया में है। मट्टी तेल की पिपिया रखी हुई है, ये मट्टी तेल की पिपिया ला हम खुद दिखाते हैं आपको। ये मिट्टी तेल की पिपिया है, मट्टी तेल की पिपिया है, और ये मट्टी तेल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया है कि मिलता नहीं है। महंगा तो डीजल भी हुआ है, डीजल से किसानों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसान क्या कह रहे हैं इसमें? भी हुआ, यूरिया डाई भी हुआ है, लेकिन किसान का गेहूं 1900 में कहा गया लिया जाएगा, 800 में लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के बिचौलियों ने बीच में खरीद के सब बेच लिया, किसान को कुछ नहीं।